नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। जी राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि भीलवाड़ा के लिए तो गांधी दर्शन प्रशिक्षण बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां वोट की खातिर कुछ लोग जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर लोगों में आपस में झगड़े करवाते हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी दिक्कत होती है, कई लोगों के रोजगार छिन जाते हैं, मौतें भी हो चुकी है। ऐसी परिस्थितियों में भीलवाड़ा के लिए गांधी दर्शन और जीवनी को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुख्य अतिथि जाट आज आरसी व्यास कॉलोनी स्थित राजीव गांधी ऑडिटोरियम में 2 दिवसीय आवासीय जिला स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर के शुभारंभ समारोह के अवसर पर मीडिया से बात कर रहे थे। का आयोजन शांति एवं राजस्व मंत्री जाट ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांत, उनकी सोच और विचार युवा पीढ़ी में आए, देश मजबूत हो, इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाया। आज कई राष्ट्र महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलकर शांति स्थापित कर रहे हैं। कई साधु संतों ने भी महात्मा गांधी के उपवास, सत्य बोलने, अहिंसा व छुआछूत मिटाने के विचारों को आगे बढ़ाया है। बापू के इन सिद्धांतों को पूरी दुनिया मान रही है। शुभारंभ समारोह में जाट ने कहा कि गांधी जी ने अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश को आजाद कराया, वे हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने हरिजन अखबार के माध्यम से सामाजिक बुराइयों को दूर करने का कार्य भी किया। मुख्य वक्ता पूर्व राज्यसभा सांसद एवं एकाठ संस्थापक नई दिल्ली दादा डीपी रॉय ने कहा कि बापू ने देश की आजादी के लिए सिर्फ अपना बलिदान ही नहीं दिया, वरण एवं संस्कृति भी देकर गए हैं। अमन, अहिंसा और सहिष्णुता की संस्कृति देकर गए। आज के हालात में बापू कितने प्रासंगिक है, इस प्रदर्शनी से यह साबित होता है। प्रदर्शनी देखकर लोगों को यह पता चलेगा कि बापू कितनी बड़ी हस्ती थे। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी ने सत्य एवं अहिंसा का मार्ग दिखाया, यह मार्ग कड़ी परीक्षा वाला है। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला संयोजक अक्षय त्रिपाठी ने कहा कि देश की आजादी के गांधीवादियों ने अलग जगाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गांधीवादी परंपरा का प्रचार प्रसार किया। शांति एवं अहिंसा निर्देशालय प्रारंभ किया गया। जिले में भी शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ की स्थापना की, ताकि सभी मिलजुल कर रहे। इससे पूर्व शिविर का शुभारंभ राजस्व मंत्री रामलाल जाट, जिला कलेक्टर आशीष मोदी व मुख्य वक्ता पूर्व राज्यसभा सांसद एवं एकाठ संस्थापक नई दिल्ली दादा डीपी रॉय ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया। मैं इस दर्शन दीक्षा में जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं उनसे निवेदन करता हूँ। आदरणीय कैलाश जी व्यास साहब, आप मंच पर हैं। जिला मजिस्ट्रेट हमारे बीच में पधार चुके हैं। मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने राजस्थान के अंदर ये गांधी वाली परंपरा का जो प्रचार प्रसार और एक शांति और अहिंसा विभाग जो पूरे देश के अंदर कहीं भी नहीं है और राजस्थान के अंदर इसकी शुरुआत की, और शुरुआत करने के बाद में शांति और अहिंसा निदेशालय के अंदर यहाँ पर उसको खोला गया। राजस्थान के निदेशक भाई मनीष जी को बनाया गया जो हमारे बीच में पधारेंगे। और आज जो गांधी जीवन दर्शन की जो प्रदर्शनी और जो हमारे यहाँ मीटिंग रखी भाई अक्षय जी ने, मैं अशोक गहलोत जी को धन्यवाद दूंगा कि उस महापुरुष राष्ट्रपिता के जो सिद्धांत है, उनकी जो बातें हैं, नई युवा पीढ़ी में आए ताकि देश मजबूत हो। आने वाले समय में ये कहा जाएगा कि हार्ड मार्क्स का आदमी इस तरह का काम कर सकता है कि आज दुनिया के कई राष्ट्र महात्मा गांधी के पद चिन्हों को चलकर अपनी आज़ादी हासिल कर रहे हैं, शांति कायम कर रहे हैं। यहाँ तक कि कई धर्मों के साधु संतों ने भी महात्मा गांधी जी के उन उपवास, उनकी जो सच बोलने की बात, उनकी अहिंसा की बात, छुआछूत मिटाने की बात को आज पूरी दुनिया इस चीज़ को मान रही है। हमारा कानून बना उससे पहले ही उन्होंने इन चीज़ों की शुरुआत कर दी। ये युवा पीढ़ी में आएगी तो खासतौर से भीलवाड़ा के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह वोट के खातिर कुछ लोग आपस में जातीय, आपस में धर्म के, आपस में सेक्टर के नाम पे कई बार झगड़े करवाते हैं। लाइन ऑर्डर मेंटेन करने में भी कई बार दिक्कत होती, कई लोगों के रोजगार छिन जाता, कई लोगों के आप देख रहे हो उनकी मौतें भी हो चुकी हैं।
इन ऐसी परिस्थितियों में भीलवाड़ा के लिए गांधी दर्शन और उनकी जीवनी को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं उम्मीद करूँगा कि मीडिया के माध्यम से आम युवा पीढ़ी में व्हाट्सएप के बजाय ये चीज़ें जाएँ और हर बार गांधी जी के ऊपर जितना बढ़िया कलेक्शन है तो मैं तो चाहता हूँ कि इनकी मतलब प्रातिष्ठानिक क्षेत्र से मिले और ताकि आज के पीढ़ी के बच्चे को देखने का मौका मिले और उनको उपलब्धि हो कि बापू कितने बड़े हस्ती थे और कितनी बड़ी भारत की आज़ादी के लिए अपना से बलिदान नहीं एक संस्कृति भी लेके गए हैं जो अहिंसा का संस्कृति है, जो नॉन वायलेंस की संस्कृति है, जो अमन की संस्कृति है, जो आज के दिन में सहिष्णुता की इतनी अभाव जब महसूस हो रहा है। आज भी आपके शहर में जब कोई बाहर से आके पेपर पढ़ते तो सबसे पहले वो गोरक्षकों की कहानी पढ़ना होता है। इस परिस्थिति में बापू कितना प्रासंगिक है ये नुमाइश उसका साबित है। मैं चाहूँगा कि इसको बढ़ावा मिले और इनको प्रोत्साहित किया जाए और आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद। खबर भीलवाड़ा के करेड़ा से है जहां मामूली विवाद के चलते एक मजदूर ने दूसरे मजदूर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। कत्ल के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। यह पूरी वारदात रघुनाथपुरा स्थित SMS ग्रेनाइट पर हुई। इस वारदात को लेकर मजदूरों में दहशत का माहौल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। वही फरार आरोपी को भी तलाश की जा रही है। करेड़ा थाना प्रभारी जसवंत सिंह ने बताया की रघुनाथपुरा गाँव में प्रभु गुज्जर की SS ग्रेनाइट खदान पर मध्य प्रदेश के कटनी का लटूरी यादव 22 वर्ष सिंगोली मध्य प्रदेश के शीतल कोल मजदूरी कर रहे थे। प्रथम दस्तियां दोनों के बीच सोने की जगह सहित अन्य छोटी मोटी बातों को लेकर विवाद हुआ था। सोमवार को अमावस के चलते खदान पर काम बंद था, लेकिन करीब 30 मजदूर खदान पर ही सोए हुए थे। इसके बावजूद विवाद के चलते शीतल ने बेखौफ होकर बीती रात अपने ही साथी मजदूर लटूरी यादव को मुंह दबाने के बाद गर्दन पर चाकू से वार कर हत्या कर दी। इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद कातिल शीतल मौके से फरार हो गया। आज सुबह जब खदान पर सोए मजदूर की नींद खुली तो उन्हें लटूरी यादव का खून से सना शव दिखाई दिया। यह देखकर खदान पर सोए सभी मजदूर सकते में आ गए। मजदूरों ने खदान मालिक के साथ करेड़ा थाना अधिकारी जसवंत सिंह को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने वारदात स्थल का जायजा लिया और घटनास्थल से शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने खदान पर कार्यरत मजदूरों से कत्ल की जानकारी लेनी चाही तो उन्होंने कहा कि रात में हुए कत्ल की उन्हें भनक तक नहीं लगी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए फरार शीतल कॉल की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि कत्ल क्यों हुआ इसका वास्तविक कारण आरोपी के पकड़े जाने के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल इस पूरे मामले की बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। आज थाना जापर सुबह सूचना मिली कि SS ग्रेनाइट रघुनाथपुरा के पास में बने हुए भवन में एक व्यक्ति का मर्डर हो गया। जिस सूचना पे मैं टीम के अनुसंधान बॉक्स के वहाँ रवाना हुए और वहाँ पहुँचे तो देखा कि लटूरी यादव नाम का व्यक्ति जो निवासी MP है जिसका मर्डर हो गया था और उसके साथ रहने वाले शीतल कोल रावत जो सिंगरौली MP का है उसी के द्वारा उसको मर्डर कर दिया गया था। जिस पे बॉडी को कब्जे में लिया जाकर पोस्टमार्टम के लिए CSC करेड़ा लेकर आए जिसका पोस्टमार्टम चल रहा है और आरोपी की तलाश के लिए अलग अलग टीमें गठित की जाकर प्रयास किए जा रहे हैं। थानाधिकारी करेड़ा जसवंत सिंह। जोमैटो के अधिकारियों द्वारा मनमानी करने से राहत प्रदान करने हेतु निम्न ज्ञापन प्रस्तुत कर निवेदन है कि समस्त डिलीवरी बॉय जोमैटो ऑनलाइन फूड भीलवाड़ा राजस्थान जो घर घर जाकर ऑनलाइन फूड डिलीवरी का कार्य करते हैं एवं चाहे धूप सर्दी बरसात हो अपने कार्यों को पूरी मेहनत ईमानदारी के साथ करते हैं एवं कोरोना काल के समय भी हमने अपनी जान की परवाह न करते हुए सेवाएं दी तथा हमारे व हमारे परिवार की आजीविका का साधन उक्त कार्य ही है कि जोमैटो कंपनी के कुछ अधिकारियों द्वारा अपनी मनमानी करते हुए हमें मिलने वाले में दिनों दिन कटौती की जा रही है जबकि कंपनी द्वारा निरंतर ग्राहकों से अच्छी राशि डिलीवर की जाने वाले खाद्य पदार्थ पर वसूल की जा रही है एवं हमें भी अपने कार्य के साथ साथ भुगतान व कमीशन में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। अब अपनी कंपनी द्वारा की जा रही मनमानियों के कारण न तो हम कोई दूसरा काम कर सकते हैं एवं हमारे आजीविका का कोई अन्य साधन भी नहीं है। यही कि हम प्रार्थनीगण द्वारा कई मर्तबा हमारे टीम लीडर से भी शिकायत की गई है लेकिन वह मात्र झूठा आश्वासन देता है एवं उसके बाद हमें धमकियां देने लगा कि तुम्हें काम करना है तो करो नहीं तो तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार कंपनी द्वारा लगातार अपनी मर्जी व अपनी मनमानी की जा रही है एवं हमारे कमीशन व इंसेंटिव में निरंतर कमी की जा रही है जबकि पेट्रोल की कीमतों में भी काफी वृद्धि हो रही है एवं पेट्रोल और बाइक मेंटेनेंस का खर्चा भी हमें ही भुगतना पड़ता है। हमारे द्वारा 15-16 घंटे काम किया जाता है उसके बावजूद भी कंपनी द्वारा
निरंतर हमारे कमीशन में भी कमी करने के कारण हमारा घर चलाना भी मुश्किल हो गया है एवं कंपनी हमारा शोषण कर रही है। अतः निवेदन है कि उक्त जोमैटो कंपनी व टीम लीडर के नाम आदेश फरमावे कि हम प्रार्थीगण को पूर्व की भांति अच्छा कमीशन व इंसेंटिव का भुगतान दिलाए जाने का आदेश फरमाए। सर, ये हम जोमैटो के राइडर हैं और हमारे पैसे वगैरह में इंसेंटिव वगैरह में कमी आई, उसके लिए ज्ञापन देना है। हम जिस जगह पहले हम जाते थे वहाँ 100 रुपये मिलते थे, आज उसी जगह के हमको 60 रुपये मिल रहे हैं, जबकि पेट्रोल वगैरह गाड़ी खर्चा वगैरह सब निकाले तो उसमें कुछ नहीं बच रहा है। और कंपनी से हम यही आश्वासन चाहते हैं हमारे पैसे बढ़ाए जाए, हर बार हमको झूठा आश्वासन दिया जा रहा है, अभी यहाँ बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं, 2 बार 3 बार बोल दिया लेकिन पैसे एक भी बार नहीं बढ़ाए। हम सर्दी धूप कुछ भी हो, गर्मी हो, बारिश हो, हम डिलीवरी देते हैं लेकिन हमारे पैसों में बढ़ोतरी नहीं हो रही। हम तो हमारी इतनी मांग है कि हमारे थोड़े बहुत पैसे बढ़ाए जाए जिससे हमारा घर खर्चा वगैरह हर चीज़ चलने लग जाए। यहाँ होंगे कम से कम 100-150 का ऊपर, ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन 100-150 नॉर्मल है। मेन मुख्य मांग हमारी यही है कि हमारा रेट कार्ड बढ़ाया जाए, पैसे बढ़ाए जाए, जो मिनिमम जैसे 20 ऑर्डर पहले करते थे उसमें मिनिमम 1000 रुपये हो जाते थे, आज उसी डेट में वही 20 ऑर्डर पे हमको 500-550-600 रुपये मिलते हैं। महंगाई बढ़ चुकी है लेकिन हमारे पैसे नहीं बढ़ रहे हैं। मिनिमम 16 घंटे काम करने पर एक आदमी की जितनी इनकम होनी चाहिए उतने नहीं मिल रहे हमको, बस ये मांग है। रतनलाल पारेशर और बाकी जोमेटो राइडर है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। शिक्षा जो आपके बच्चे के आंतरिक गुणों पर शक्तियों को विकसित करती है। आई वॉन्ट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, आई वॉन्ट टू बिकम अ डांसर, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम एन एस्ट्रोलॉजिस्ट। जैन ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल जो सभी आधुनिक सुविधाओं से संपन्न है। A school which is equipped with all modern facilities which give all over development to your child. Stimulates the thought of your child's mind. We have highly skilled teacher and comfortable environment drives your child mind. Hamare school mein bachchon ke liye music, dance, karate, computer, games, luxury facilities uplabdh hain. Can Oxford Convent International School aapke bachche ka sunahra bhavishya. क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है ताकि आप तक पहुँचे उच्च गुणवत्ता की दवा वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50-90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र ₹525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने मानिक्य नगर रोड भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। ग्राहकों की सुविधा हेतु गांधीनगर में भी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की शाखा पुराना RTO रोड चित्रकूट टावर के पास शुरू की गई है। भीलवाड़ा में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रख्यात आध्यात्मिक प्रवक्ता राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी के जिंदगी बने आसान विषय पर प्रवचन है। 1 मार्च, स्थान मोदी ग्राउंड, RCVS कॉलोनी भीलवाड़ा। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल 24 घंटे परामर्श, उपचार, भर्ती, मेडिकल स्टोर एवं एम्बुलेंस सुविधा, फिजिशियन, हड्डी एवं जोड़ रोग, कैंसर व जनरल सर्जरी,
नवजात शिशु व बाल रोग, स्त्री व प्रसव, दंत रोग, नाक कान गला रोग, सोनोग्राफी, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरुण डोंगरवाल है और मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में सोनी हॉस्पिटल भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी भीलवाड़ा में सोनी हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराता है। हम लोग इस विभाग के अंदर दूरबीन से होने वाले लेगामेंट सर्जरीज, इसके अलावा घुटना प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ के प्रत्यारोपण और फ्रैक्चर सभी प्रकार में डील कर रहे हैं। इसके अलावा जिनको भी कमर का दर्द है या कंधे का दर्द है या कोई पुराना ऑपरेशन अगर बिगड़ा हुआ है तो भी हम उसको पूरी तरह से ठीक करते हैं। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल, सोनी हॉस्पिटल रोड, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर, बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महारानी टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारी नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांझलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पायजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर, बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महारानी टॉकीज, भीलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधारकर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। अरियंत हॉस्पिटल रिसर्च संस्थान में निम्न सुविधाएं एवं विभाग उपलब्ध हैं: नेत्र रोग विभाग, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, शल्य चिकित्सा विभाग, दंत रोग विभाग, नाक कान एवं गला रोग विभाग, चर्म एवं यौन रोग विभाग, मेडिसिन विभाग, शिशु एवं बाल रोग विभाग, अस्थि एवं जोड़ रोग विभाग, रेडियोलॉजी विभाग, पैथोलॉजी विभाग, फिजियोथेरेपी विभाग, मूत्र एवं गुर्दा रोग विभाग। अरियंत हॉस्पिटल अरियंत मार्ग, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा में है। दूरभाष नंबर 01482-250-290-253-101। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनित कुमार एम टीम उदयपुर। इसी रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबजी चौराहा, सांगनेर रोड, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक एमजीएच परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, आरसी व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह काछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम कामधेनु गोशाला, सिंदरी के बालाजी, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय एमजीएच परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, देखते हैं कुछ अन्य जानकारियाँ। पीपल फॉर एनिमल्स के प्रदेश प्रभारी बाबूलाल जाजू ने भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक आदर सिद्धू से रूबरू मिलकर आसीन में कुछ दिन पूर्व घोड़े के साथ क्रूरता करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोपियों को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 26(3)(11) व भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत तत्काल गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हुए पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 34 और 35 के तहत दुर्व्यवहार किए गए घोड़े को जब्त करने की मांग की।
जाजू ने प्राथमिकी में कथित तौर पर भीलवाड़ा के आसियन निवासी गोरु गुज्जर एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा मनोरंजन के लिए घोड़ों को प्रताड़ित करना बताया है। जाजू ने बताया कि घटना का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक घोड़े को लकड़ी की चारपाई पर खड़ा करके दूल्हे को घोड़े पर बिठाया गया और दो व्यक्ति घोड़े पर खड़े होकर नाच रहे थे एवं एक व्यक्ति घोड़े की संवेदनशील पूंछ को पकड़कर स्टंट दिखा रहा था। उक्त व्यक्तियों द्वारा घोड़े को उसके पिछले अंगों पर खड़े होने, शादी के जुलूस के दौरान नृत्य करने के लिए एवं उसकी संवेदनशील पूंछ पर लटक कर उसे प्रशिक्षित किया जा रहा है, जो किसी भी रूप में घोड़े के लिए स्वाभाविक नहीं होकर उसके साथ क्रूरता है। जाजू ने प्राथमिकी में बताया कि जिस तरह से एक आरोपी गोरु गुज्जर घोड़े की पूंछ को मरोड़ते हुए और फिर उस पर लटके हुए देखा जा सकता है, वह अपमानजनक है। घोड़ा फंस सकता था और खुद को घायल कर सकता था या इससे भी बदतर दर्द से घबराकर शादी की बारात में लोगों को घायल करते हुए पागल हो सकता था, जो घोड़े और इंसान दोनों के लिए खतरनाक होता। उल्लेखनीय है कि मनोरंजन के लिए जानवरों को प्रदर्शित करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है और प्रदर्शन करने वाले पशु पंजीकरण नियम 2001 द्वारा अनिवार्य रूप से एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया से एक प्रदर्शन पशु पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक। भीलवाड़ा स्थित शिवाजी पार्क में फाग उत्सव कार्यक्रम रखा गया। आशा रामावत ने बताया कि आरसी व्यास फाग ग्रुप ने यह कार्यक्रम कराया था। कार्यक्रम में श्याम बाबा के भजन के साथ साथ महिलाओं ने फूलों की होली खेली। रीना डाट, विनिता नवाल, पारू सरफ, खुशबू टुकलिया, एकता उसवाल, आशा अग्रवाल, अनु नथानी, किरण बंसल, एकता नथानी, रेणु मानसिंगा सभी ने आने वाली महिलाओं को गुलाल से तिलक लगाकर स्वागत किया। सिंगर सुनील काबरा के भजनों ने फागोत्सव का माहौल बनाया। कार्यक्रम में सुलक्षणा शर्मा, शर्मिता रमावत, शारदा बदादा, मीना टेदरवाल, दीपा सिसोदिया अन्य महिलाएं शामिल थीं। मार्च 1949 को आचार्य तुलसी ने सरदार शहर में अनुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया। 21 फरवरी 2023 को अनुव्रत आंदोलन के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, जिसे अनुव्रत अमृत महोत्सव रूप में मना रहे हैं। मंत्री राजेश चौरड़िया ने बताया कि अनुव्रत अमृत महोत्सव के शुभारंभ में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजेंद्र मार्ग विद्यालय से अनुव्रत रैली का शुभारंभ किया गया। रैली प्रातः 8:30 बजे रवाना हुई, जिसे विद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर श्यामलाल खटीक एवं सभा अध्यक्ष जसराज चौरड़िया ने हरी झंडी दिखाई। रैली मुरली विलास रोड स्टेशन चौराहा, रेलवे स्टेशन गोलपिया एवं सूचना केंद्र चौराहे से तेरापन भवन में सभा में परिवर्तित हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ समिति की बहनों द्वारा अनुव्रत गीत से किया गया और अनुव्रत आचार संहिता का वाचन अनुव्रत महासमिति के पूर्व महामंत्री संपत शमसुखा ने किया। समिति अध्यक्षका ने सभी का स्वागत किया। सभा अध्यक्ष अनुव्रत सेवी जसराज चौरैया ने अनुव्रत के बारे में बताया। अनुव्रत सेवी एवं अनुव्रत समिति भीलवाड़ा के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीलाल गांधी एवं जैन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षका पुष्पा गोखरू ने अपने विचार व्यक्त किए। मुनि पारस कुमार का प्रेरणा पाती में कहा कि यह आंदोलन जन जन का है और अच्छा लग रहा है कि यहाँ विभिन्न समाज के व्यक्ति ने रैली में हिस्सा लिया। अनुव्रत समिति भीलवाड़ा के पूर्व अध्यक्ष अनुव्रत सेवी एवं पधारे हुए सभी संस्था का सम्मान किया गया। रैली में भारत विकास परिषद शाखा शिवा, महावीर इंटरनेशनल कनक, महावीर इंटरनेशनल मुस्कान, महाप्रज्ञ पब्लिक स्कूल, वरिष्ठ नागरिक मंच, क्रिश्चियन सेवा समिति, स्वामी विवेकानंद युवा संस्था, पक्षीग्राम चावंडिया, राजस्थान गुज्जर गोअर्ड ब्राह्मण समाज, करनी सेना जिला अध्यक्ष, कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉक्टर रोशनलाल पीतलिया, नवरतन मल झाबक, भैरूलाल बापना, भैरूलाल बडोला, समिति उपाध्यक्ष मनोज चौधरी, लक्ष्मीलाल झबक, सहमंत्री पुनीत बोहरा, संगठन मंत्री विनीत सुतारिया, कोषाध्यक्ष नरेश कोठारी, जीवन विज्ञान संयोजक उषा सिसोदिया, मदनलाल टोडरवाल, सरोज चौरड़िया, पुष्पा पामेच, सभ्य मंत्री योगेश चंडालिया, टी उपाध्यक्ष कमलेश सिरोई, मंत्री राजेश कर्णावट, कोषाध्यक्ष सुरेश चौरड़िया, टीपी का अध्यक्ष करण सिंह सिंघवी, महिला मंडल मंत्री रेणु चौरड़िया, प्रेक्षा वाहिनी सह संयोजक विमला राका, ज्ञानशाला संयोजिका नीतू गोखरू, महिला मंडल राष्ट्रीय सह मंत्री नीतू ओसवाल आदि उपस्थित थे। आज संपूर्ण भारत में 1 मार्च 1949 को तेरापन धर्म संघ के नौवें अनुव्रत अनुशास्ता आचार्य श्री तुलसी ने जो अनुव्रत का प्रतिपादन किया है, प्रारंभ किया है, उसका 1 मार्च को 75वें वर्ष प्रारंभ हो रहा है। उस उपलक्ष्य में आज संपूर्ण भारत में अनुव्रत
अमृत महोत्सव के रूप में आज 21 तारीख को आज संपूर्ण भारत में रैली जो अनुव्रत के जो संकल्प है उनके द्वारा पूरे भीलवाड़ा में एक रैली का आयोजन किया गया है और उसमें जैन समाज के अलावा भी सभी समाजों के लोग इस पूरी रैली में पूरी सहभागिता निभाई है। उसके बाद में तेरापन सभा में ये सभा के रूप में परिवर्तित हो गई और उसमें विभिन्न वक्ताओं ने जो आचार्य तुलसी ने जो अवदान दिया है और जो अनुव्रत के जो नियम है संक्षिप्त अणु नियम है 11 नियम है अगर उसको पूरा विश्व माने प्रत्येक व्यक्ति माने राष्ट्रपति माने नेतागण माने अधिकारी माने तो ये देश का पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।